हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफ़ द स्मार्ट न्यूज़। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अभी जो आपने प्रोमो देखा है अलादीन का उसके बारे में, ऐसे सच जो आप नहीं जानते होंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखते रहिएगा। आखिर क्या है इसका राज? दोस्तों, एक मंथ पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने आपको कहा था कि जफर वापस आएगा, क्योंकि ऐसी कोई भी स्टोरी अलादीन की नहीं है जिसमें जफर ना हो, क्योंकि अलादीन कोई ऐसी ही क्रिएट की गई स्टोरी नहीं है जैसे बालवीर या और शो हैं, बल्कि अलादीन एक बहुत पुरानी स्टोरी है जिस स्टोरी में जफर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, मलिका की बात रही तो मलिका भी रहेगी, लेकिन दोस्तों मलिका कुछ देर के लिए ही रहेगी, मतलब कि जो शो के एंड तक रहेगा वो रहेगा सिर्फ जफर। जब जफर का अंत होगा तभी ये शो खत्म हो जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं यास्मीन के बारे में। दोस्तों, आपको यास्मीन आशी सिंह ही दिखाई गई है, और अगर आप चाहते हैं कि इस शो में अवनीत कौर ही रहे तो हम भी अवनीत कौर के फैन हैं, और दोस्तों हम भी चाहते हैं कि इस शो में अवनीत कौर ही हो। लेकिन दोस्तों, जब उसकी बीमारी की बात आती है, जब उसकी जान की बात आती है, तो जान हर किसी को ही प्यारी होती है। बट दोस्तों, आशी सिंह यास्मीन भी बहुत ज्यादा अच्छा रोल करेंगी, क्योंकि इसका जो शो है ये उन दिनों की बात है, हमने टोटली देख रखा है, और ये बहुत ज्यादा अच्छी एक्ट्रेस है। दोस्तों, अगर आप फिर भी चाहते हैं कि अवनीत कौर ही इस शो में आए, हम अवनीत कौर को ही शादी यास्मीन के रोल में देखना चाहते हैं, तो हमने कुछ देर पहले एक वीडियो अपलोड की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको विजिट करें, और उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे अवनीत कौर वापस आ सकती है। दोस्तों, आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं और सब्सक्राइब भी नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे आपको ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिलती रहें। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सी वीडियो में। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।